आज हमने एक स्पेशल गाड़ी अरेंज की है। स्पेशल मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि हेविल और स्पेसिफिकली इसकी जो बेस वेरिएंट है जॉलियन, उसमें हम एचईवी का रिव्यू करें। सो दिस इज़ द जॉलियन। ये फ्रंट व्हील ड्राइव वेरियंट है और इसकी ड्राइव ट्रेन हाइब्रिड भी है। दिस इज़ नॉट द बेसिक जॉलियन, ये इसकी जॉलियन की जो प्लेटफॉर्म है उसकी टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है। इस रिव्यू में हम ऑब्वियसली बात करेंगे इसके एक्सटीरियर की, इसके इंटीरियर की, कुछ मिसिंग फीचर्स हैं और इसका परफॉर्मेंस टेस्ट भी करेंगे। और इसके अलावा जो एक बहुत ही मुझे ज़बरदस्त चीज़ लगी है, इसकी जो ये हेडलाइट्स हैं ये भी थोड़ा सा फ़र्क आपको शेप में नज़र आएंगी। और अगर मैं इस गाड़ी को अनलॉक करता हूँ तो ये देखें, ये इसकी वेलकम लाइट्स हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको वेलकम करती हैं टुवर्ड्स द कार। बहुत यूनिक फीचर है, आई डोंट थिंक कि ये इस लीग में और किसी और गाड़ी में है। सो या थम्स अप फॉर दिस। आगे चलने से पहले इसके जो इंजन साइज़ है और उसकी ड्राइव ट्रेन के बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। जब आप इंजन खोलेंगे, एक थोड़ा सा लेट डाउन ये है कि आपको हाइड्रोलिक शॉक्स नहीं दिए गए हैं, तो आपको मैन्युअली इसे खुद ही ओपन करना पड़ेगा। इंजन अब 1.5 लीटर है और उसके अलावा हाइब्रिड इसमें बैटरी भी है जो असिस्ट करती है। पावर फिगर्स बहुत अच्छी हैं, 190 हॉर्स पावर और उसके अलावा 375 Nm ऑफ टॉर्क है। इसी के साथ इस इंजन को मेट किया गया है DHT ट्रांसमिशन, विच इज़ डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन, और जब मैं गाड़ी को ड्राइव करूंगा तब उस पर मैं रिव्यू दूंगा। उसके अलावा जब आप बोनेट को बंद करेंगे, ऑफ कोर्स ये हैवल का बैच तो है, लेकिन इस गाड़ी में ADAS के तमाम फीचर्स हैं। यहाँ पे आपको रेडार भी नज़र आएगा, इसी तरह ये कॉम्प्लीमेंट करता है, यहाँ पे भी आपके पास सेंसर्स लगे हुए हैं। और अगर हम साइड पर आएँ तो साइड मिरर्स में आपको हाई फिडेलिटी 360 डिग्री कैमरा भी दिया जाता है। सो अगेन ये भी एक इसका बहुत अच्छा फीचर है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द व्हील्स। अब इसका जो व्हील साइज़ है वो 225/55/18 यानी कि 18 इंच का रेम है और कुम्हो ब्रांडेड टायर हैं जस्ट लाइक अदर कोरियन कार्स। अच्छा, ये जो साइज़ है ये वैसे ऑन पार है विद किया स्पोर्टेज एंड ह्यूंडई टूसॉन, और आपको यहाँ पे HEV की बैजिंग भी मिलती है। पीछे आते हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड इधर स्टाइलिंग है और आपको अगेन बैक लाइट्स के साथ यहाँ पे जॉलियन HEV के भी लोगो मिलते हैं और यहाँ पे आपको रेयर पार्किंग सेंसर्स भी दिए जाते हैं। सो एज आई सेड अर्लियर कि इस गाड़ी में आपको ADAS प्लस आपकी जो भी पार्किंग असिस्ट है वो भी कम्प्लीटली प्रोवाइड किया जा रहा है। ये वही फीचर है जो 86 में भी आपको दिया जाता है। और अब इसकी हम प्रैक्टिकलिटी में बात करेंगे ट्रंक साइज़ की। एक चीज़ जो मिसिंग है वो ये कि इसमें ऑटो टेल गेट आपको नहीं दिया जा रहा, तो ये तो आई थिंक एक लेट डाउन है। अब इसके कंपेरिजन में जो किया स्पोर्टेज है, इवन जो अभी न्यूली लॉन्च्ड करोला क्रॉस है उसमें भी आपको वो दिया जा रहा था। अगर तो इसके स्पेयर व्हील की सिचुएशन देखें तो नहीं, इसमें आपको टायर रिपेयर किट दी जा रही है तो आपको स्पेयर व्हील भी नहीं मिला। अच्छा, वैसे अगर मैं ट्रंक साइज़ की बात करूं तो ये बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये इसकी हाइट जो है वो भी बहुत ज़्यादा है और डेप्थ भी कम है, तो इस लीग में मेरा नहीं ख्याल कि ये कम्पीट कर सकती अपनी बाकी जो की कंपेटिटर्स हैं। इवन करोला क्रॉस का ट्रंक साइज मुझे इससे ज़्यादा ही लग रहा है। साइज़ तो वैसे ट्रंक का छोटा है, लेकिन इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं बाय फोल्डिंग डाउन द रियर सीट्स। वो 60-40 स्प्लिट रेशो में आती हैं, यस। और अगर आपने सीट्स वैसे नीचे कर लें फिर तो मुनासिब है, तकरीबन आपको फ्लैट फ्लोर मिलता है। तो अगर आपने ज़्यादा लंबे आइटम्स को लोड करना है तो इट शुडन्ट बी अ प्रॉब्लम। और उसके अलावा आप देखते हैं कि इसकी रेयर सीटिंग कैसी है। सीट्स को भी फोल्ड अप कर लेते हैं। ओके, सो ये जो ड्राइवर सीट है मैंने अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट की हुई है। माय हाइट इज़ 5'10" और आई थिंक नी रूम तो बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट फ्लोर दिया गया है। सो अगर तो लेट से आपने तीन लोगों को पीछे बिठाना है तो आई थिंक इट्स डुएबल। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। पिछली सीट्स रिगार्डलेस के गाड़ी का साइज़ थोड़ा छोटे, लेकिन इट्स प्रीटी कंफर्टेबल। दी ओनली कॉम्प्रोमाइज के आपकी जो ट्रंक स्पेस है वो थोड़ी कम है। और उसी के साथ अगर तो मैं हेडरूम की बात करूं, रिगार्डलेस के इस गाड़ी में आपको पैनोरामिक रूफ भी दिया जाता है, लेकिन जो रेयर पैसेंजर्स हैं उनके हेडरूम को कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। हाँ, अगर आपकी हाइट 6 फुट से अबव है तो फिर कुछ हो सकता है कि आपका ये सर यहाँ पे टच करे, अदरवाइज इट्स परफेक्टली फाइन। अगर सेफ्टी की बात की जाए तो उसमें भी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। आपको 8 एयरबैग दिए जाते हैं जो कि पिछले पैसेंजर्स को भी कवर करते हैं।
आई थिंक अगर तो इस लीग में बाकी गाड़ियों के साथ देखा जाए, रेयर सीटिंग स्पेस वाकई बहुत अच्छी है। उसके अलावा सारी विंडोज़ वन टच ऑटोमेटिक हैं, तो ये भी एक मज़ीद कन्वीनियंस का पॉइंट है। और अगर हम पीछे देखेंगे, आपको एसी की एक्सेस के लिए एसी विंड्स तो दिए गए हैं, उसके अलावा दो स्टैंडर्ड यूएसबी टाइप ए की पोर्ट्स भी दी गई हैं। और मज़ीद कन्वीनियंस की अगर बात की जाए, ऑफ कोर्स आपके पास एक स्टैंडर्ड साइज़ आर्मरेस्ट है और उसमें दो कप होल्डर्स हैं। आई थिंक दिस इज़ प्रीटी स्टैंडर्ड, इस पर कोई ज़्यादा बात तो बनती नहीं है। और आइसोफिक्स के आपके पास दोनों सीट्स पे एंकर पॉइंट्स भी दिए गए हैं, तो अगर आपने चाइल्ड सीट लगानी है, इट्स गोना बी वेरी कन्वीनियंट। सो व्यूअर्स, अब मैं आप लोगों को इसकी ड्राइव पे लेके चलता हूँ, और उससे पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ गाड़ी के ओनर के साथ भी। अब्दुल सलाम, ये भी हमारे सलाम साथ हैं, और इट वॉज़ वेरी काइंड कि इन्होंने आज हमारे लिए टाइम निकाला है। तो इन्हीं से हम पूछेंगे इनका कैसा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है। अच्छा, तो मुझे अब्दुल सलाम आप ये बताओ कि ये गाड़ी आपने कब ली है, और उसके अलावा जो आपका बाइंग डिसीजन था, लोगों को थोड़ा सा वो भी बताते हैं कि क्या बंदा सोच रहा होता है जब आपने इस प्राइस में गाड़ी कोई भी परचेज करनी सही होती है। से यार, मुझे गाड़ी को आई गेस महीना हो गया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मोर और लेस। बेसिकली जब ये पहली डिलीवरीज आई है इस गाड़ी की, तो ये मुझे उसी टाइम फ्रेम में मिल गई थी, सिंस आई बुक्ड इट इनिशियली व्हेन इट वाज लॉन्च्ड। तो डिसीजन एज सच कोई स्पेसिफिक नहीं था, आई वाज लुकिंग टू बाय अ कार उस वक्त, बस कंफ्यूज था, मेरा डिसीजन डिले हो ही जा रहा था। ये गाड़ी लॉन्च हुई है, आई वेंट टू द शोरूम द नेक्स्ट डे, आई लुक्ड एट द कार, मुझे मज़े की लग गया, आई जस्ट बुक्ड इट। तो फार बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और जब आप ये ले रहे थे गाड़ी, तो उस टाइम पे की कंपेटिटर्स जैसे कि इसी लीग में आपको आई एम श्योर के स्पोर्टेज, टूसॉन, एमजी, ये तमाम गाड़ियाँ ही मिलती हैं, बिल्कुल। तो कंसिडरेशन में क्या क्या ऑप्शंस हैं? अच्छा, इससे पहले मैंने कंसिडर की थी जो आपकी हेवल है 86 विदाउट एचईवी, ओके उसका एक वेरिएंट है विच फॉल्स अंडर द सेम प्राइस ब्रैकेट, एग्जैक्टली उसको किया था। फिर फैमिली में उन्होंने एक ऑप्शन सामने रखी थी विच वॉज एम जी एच एस एंड टसॉन, तो वो तो इट वॉज अ बिग नो, क्योंकि वो ओके थोड़ी आई गेस पुरानी हो गई है, दिस वन इज स्टिल अ न्यू कार, ट्रू अभी ट्रू अभी आई है। तो दिस वॉज वन रीजन वी वेंट फॉर दिस कार। ठीक है। और उसी में एक और अब आगे क्वेश्चन ये बनता है कि आपने गाड़ी जब ली तो हाइब्रिड ही आप मार्केट में लेना चाह रहे थे, बस हाइब्रिड ये हो गई? यार सो आई वॉज वेरी कंफ्यूज, आई जस्ट नीडेड अ न्यू कार फॉर फैमिली, ओके क्योंकि मेरे पास जो एग्जिस्टिंग गाड़ियाँ थी उसमें कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं थी अनफॉर्चुनेटली अभी फ़िलहाल, फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, जो फैमिली बड़े कंफर्टेबली इस्तेमाल करे। जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उस कोई छोटी है, कोई स्पोर्ट्स है, तो ओके इस सो तरह की सिचुएशन थी। तो हाइब्रिड की बिल्कुल भी कंसिडरेशन हाइब्रिड थी की ना? कंसिड्रेशन नहीं थी। दिस कार गॉट लॉन्च, मैंने देखा कि चलो दिस इज़ अ प्लस टू, और ओके प्लस H6 HEV मैंने एक टाइम पे कंसिडर की थी, वो मेरे बजट से थोड़ी बाहर हो रही थी। ओके हाँ जैसी गाड़ी आई तो मेरी रिक्वायरमेंट कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं थी, सो कंसिडरिंग दिस एज ए एचईवी मोटर गाड़ी, मज़े की है, ड्राइव मज़े की है, फीचर्स मोर और लेस सेम ही, 19-20 का फ़र्क है, काफ़ी चीज़ें कम है, साइज़ छोटा है, कुछ यस चीज़ें मैंने भी इसमें फील की हैं, बट ओवरऑल फॉर द प्राइस आई थिंक इट्स अ वेरी जस्टिफाइड कार। सिंस अब आपने बात कर ही दी है, तो जी जी मिसिंग फीचर्स पे आ जाते हैं कि अच्छा, क्या अभी तक आपने ऐसी चीज़ इसमें देखी जो आपको लगता है कि अरे होनी चाहिए थी? मेरी गाड़ी आई है और मैं उस पर ट्रिप पे निकल रहा था फॉर खैरा गली, ये जगह मरी से यस थोड़ा निकल यस के नथिया से पहले। सीन ये था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता गाड़ी आ चुकी भी होगी, और एकदम से बस मुझे कॉल आती है कि जी आपकी गाड़ी की डिलीवरी होगी, कैन कम एंड पिक अप द कार। ओके अब मैंने जब इसका ट्रंक खोला, वो गाड़ी बुक करते हुए मैंने नहीं देखा था उसमें क्या कितनी स्पेस है क्या स्पेस नहीं है, ट्रंक खोला है, फिगर आउट किया यार ये तो मसला बहुत हो ही गया है, छोटा है। बहुत छोटी आई ट्रंक है। ऑल्सो रियलाइज के जी बहुत ही छोटा साइज है। ठीक है, तो फिर एक तो ट्रंक साइज छोटा और हो गया। ट्रंक में मतलब फॉर दिस प्राइस आई थिंक ऑटो टेलगेट दे यस देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और गाड़ी चलाते हुए लाइक इंटीरियर में कोई चीज जो आप स्पेसिफिकली मिस करते हो? इंटीरियर में मैं सच कुछ नहीं मिस करता, मतलब एम्बियंट लाइटनिंग हो जाती तो अच्छी ओह बात थी, यस यस अच्छी बात थी, नहीं भी है तो खैर है, कोई खैर है हाँ, उसका। लेकिन उससे एम्बियंस पे वाकई एक आपकी कैबिन की जो एम्बियंस है ना बहुत ज्यादा अच्छा फर्क पड़ता है। बिल्कुल एनीवे, अब जो मेन लोगों का हमसे सवाल होते हैं किसी भी हाइब्रिड गाड़ी को लेके, वो ये है कि भाई ये फ्यूल एवरेज क्या देती है? ये बड़ा ट्रिकी सवाल है फॉर अ ड्राइवर लाइक मी, गाड़ी की क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी है, आई लाइक टू एंजॉय द सो कार। हैवी फुट है आपका? मेरा थोड़ा सा हैवी फुट है, ओके बट जब आप चिल मोड में होते हो तो यू ड्राइव वेरी कैजुअली, बड़ा सुकून से क्रूज भी करते हैं। जो मेरे घर में बाकियों ने ड्राइव करके फिगर आउट किया, क्योंकि अभी सेंसर सिर्फ 1400 चली हुई है, तो उन्होंने 14 to 15 की एवरेज फिगर आउट की है। ठीक है मुझे लग रहा है कि अगर इसको आराम पैर से चलाएं तो
ये कहीं 18 तक दे देगी, गर्मियों में, सर्दियों में शायद 20 तक दे देगी, बीस वो तक है जो दे कंपनी क्लेम करती है। ठीक है। और इसमें आई थिंक रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी है कि वन सिंगल पैडल आप सिंगल चला पैड सकते हैं, तो जब आप ब्रेक जैसे ही एक्सेलरेटर से पाँव उठाते हैं जी तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग स्टार्ट करती है, एनर्जी को वो सेव करती है। फिर फीचर्स में आ जाते हैं, आई थिंक फॉर ड्राइवर तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि आपके पास ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, फिर आप इसकी ऑब्वियसली आपको सारी हाइब्रिड की भी डिटेल्स दे रहा होता है कि कहाँ पे कितनी पावर कंज्यूम हो रही है ये फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी, तो फ्रंट इसमें व्हील ये एक फ़र्क आपको ज़रूर महसूस होगा कि जो इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन है सिंस वो फ्रंट व्हील्स पे जाती है, तो जब आप गाड़ी को लॉन्च कर रहे होते हैं तो उसमें आपको व्हील स्पिन तो डेफिनेटली स्पिन मिलता है। मिलता है फिर बिल्कुल। ये कि लॉन्च से मुझे एक और बात याद है, इस वीडियो के शुरू में व्यूअर्स ने देखा होगा कि हमने इसका ड्रैगी का रन किया था, वो लॉन्च कंट्रोल के साथ है गाड़ी। सो ये भी एक इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि दिस इज द ओनली कार इन इट्स क्लास जिसमें आपको इन बिल्ट लॉन्च कंट्रोल मिलता है, जिसे अच्छा एंगेज नाइस। करना बहुत ईजी है। आपने सिर्फ ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करना है, सेकेंडली आपने लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक और राइट फुट से आपने थोड़े से रेव्स आपने हाई करने हैं एंड देन यू कैन लॉन्च इट। सो ये ईजी भी है, उसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस भी रिलेटिवली बेहतर है। फिर एज अ ड्राइवर आई थिंक ये चीज़ व्यूअर्स अभी नहीं देख सकते, लेकिन मैं डेफिनेटली बड़ा मज़ा आ रहा है कि मेरे सामने एक हेडअप डिस्प्ले भी है, और इसमें ये सोनाटा की तरह बहुत बेसिक नहीं है, इसमें आपके पास लेन की पसिस्ट की भी इंफॉर्मेशन है, आपको लेट से इस सड़क पे 40 की स्पीड लिमिट है तो वो भी बता रहा है, और आपके पास नॉर्मल जो स्पीड है आपकी वो भी शो करवा रहा इसमें होता है। मैं एक और चीज़ मैं हाँ नोट किया, अगर आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्टेड है ना, या इफ़ यू रिसीविंग अ कॉल और समथिंग, तो तो वो वो भी उस नोटिफिकेशन आ जाती नोटिफिकेशन है। उसमें आती है, क्रूज़ का आपको डिटेल्स आ रही होती हैं, यस लेन असिस्ट का आ रही होती है, सो सारी या चीज़ें, इट्स मज़े प्रीटी करते यूजफुल। मेरे ख्याल से तो ये अगेन क्लास लीडिंग है, और कोई भी और गाड़ी इस क्लास में ये चीज़ नहीं दे रही है। मैं थोड़ा सा इंफोटेनमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा, मैंने इसे यूज़ किया है, आई नो कि इट्स वेरी रिस्पॉन्सिव, आपको तमाम कंट्रोल्स इधर ही दिए जाते हैं। पहला तो जो लोगों की थोड़ी सी एक एप्रीहेंशन होती है टूवर्ड्स हाइब्रिड कार्स या स्पेसिफिकली हेवल, वो ये है कि इसके तमाम कंट्रोल स्क्रीन में है, तो क्या ये प्लस पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है? अच्छा, शुरू में मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेके था कि यार ये अनोइंग हो सकता है, बट आई गॉट यूज टू इट रियली क्विक, कोई अच्छा मुझे इसमें मसला नहीं हुआ। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि आपको नो ब्रेक करना पड़ता है फॉरवर्ड असिस्ट पे, यस ऑटो ब्रेकिंग वाला, पाकिस्तान जैसे ट्रैफिक में ना, मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। यस, वरना तो तो ये एक्सीडेंट्स हो सकते बिल्कुल, हैं। तो ये है कि इस गाड़ी में बैठते साथ ही द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज स्विच दोज ऑफ, अच्छा वो हर दफा हर जब दफा आप करते हैं, हर ओके दफा सो करते हैं। ये भी एक मेरे ख्याल इसमें से MGHS डेफिनेटली में ऐसा नहीं है यस, उसमें तो अब उन्होंने जो लोकल गाड़ी है ना उसमें जी। तो डिसेबल कर दिया है। अच्छा, बेहतरीन। सो अच्छा ये एक हो गया। फिर ये कि एसी भी इसी में, तो एसी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, आजकल तो पीक ह्यूमिडिटी है बिल्कुल, लाहौर, तो कैसी जा रही है? एसी की परफॉर्मेंस अच्छी है, प्लस मैंने इसमें एक चीज़ करवाई है, इधर हमारे लाहौर में एक स्टूडियो है ATD स्टूडियोज़ के नाम से, बेहतरीन ठीक है डिटेलिंग स्टूडियो है, PPF सेरामिक कोट्स एंड टेंट्स टू। तो उसमें मैंने ये चीज़ की है कि इसमें जो यूवी प्रोटेक्शन वाले टेंट्स होते हैं, इवन यू कैन टेस्ट इट, वो अराउंड 90% हीट रिजेक्शन करता है। अच्छा तो ओके ये हाँ टेंट्स इवन पैरानोमिक रूफ और गाड़ी का पूरा कैबिन, ओके ठीक वो प्राइवेसी प्लस हीट रिजेक्शन है वो करवा लिया है, है फ्रंट पे कैमेलियन टेंट करवा लिया है, इससे प्राइवेसी भी मेंटेन होती है, प्लस इससे आपकी विजिबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप बिल्कुल अभी अंदर से देख रहे हो तो हाँ ये इट्स बड़ा परफेक्टली क्लियर, फाइन इवन या रात को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। नाइस नाइस। और इसके अलावा पीपीएफ भी आपने करवाई है? PPF मैंने करवाना है, मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हो जाए, इसकी इंश्योरेंस हो जाए, उसके बाद PPF भी ओके साथ। तो ये तीन काम है जो भी इस गाड़ी पे पेंडिंग है, बाकी अल्लाह का शुक्र है बड़े मज़े की चल रही है। सो इसी के अलावा अब हम इस गाड़ी के फीचर्स पे भी आते हैं। मुझे आप ये बताओ, ये स्क्रीन तो बड़ी क्रिस्प है, साउंड सिस्टम कैसा है? साउंड सिस्टम मज़े का है, अच्छा भी कोई मुझे ब्रांडेड है? मैंने जो देखा था इस पे लिखा था पावर्ड बाय हार्मन कार्डन, ओके ओके आई गेस सिर्फ पावर्ड बाय कार्मन था, बट आई एम श्योर हाँ कार्मन इज हार्मन कार्डन। एग्जैक्टली यार तो या ओके। और उसके अलावा वैसे खुद भी टेस्ट तो किया होगा, तो आर यू सेटिस्फाइड? साउंड कैसी साउंड है? इज अमेजिंग, प्लस अमेजिंग वायरलेस चार्जिंग है। ओह मेरे यस साथ अक्सर होते हैं, मैं गाड़ी में ना वो जो चार्जर होते हैं वायरलेस, जो हाँ हाँ आपका हाँ पोर्टेबल चार्जर पोर्टेबल होता चार्जर है होता है, मैं यस कैरी करना भूल जाता हूँ, मेरी हाँ किसी गाड़ी में होते हैं किसी में नहीं होता। तो ठीक इस है गाड़ी में मेरे साथ 2-3 दफ़ा हुए, द फोन वॉज ऑन 2-3%, हाँ, तो वो आपने फ़ौरन मैं चार्ज पे बड़े लगा सुकून दिया। में था उस चीज़ की ठीक है, वजह। थोड़ा सा मुझे बताएं कि इसकी ये जो अब इंटेलिजेंट ड्राइविंग का सारा सिस्टम है, जी ये हमें तो बता रहे लेन असिस्ट है, फिर आपके पास ट्रैफिक साइन असिस्ट भी है और रेयर साइड असिस्ट भी है, इतनी ज़्यादा जो इन्होंने ऑटोमेशन और ये आपके पास ADAS के फीचर्स दिए हैं, इनका यूज़ होता है डेली लाइफ में, या आपके ख्याल से ये एक बस बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है ड्राइवर के लिए? मुझे लगता है यूज़ होता है, स्पेशली जो लेन असिस्ट है उसने, मेरी गाड़ी नई थी और 2-3 दफ़ा बचाई है, अच्छा वाकई बचाई है। तो ओके वो हाँ मुझे कहीं फ़ोन पे कॉल आई है, मेरा ध्यान बैठा है, वो स्विचिंग द लेन और वो गाड़ी ने वापस
अपना आपको लेन पे किया, तो आई थिंक इट्स अ प्लस फीचर। ये फीचर्स अच्छे फीचर्स हैं। वाकई आजकल की ट्रैफिक भी बढ़ रही है, और अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है तो टेक द बेनिफिट ऑफ इट। ट्रू ट्रू। और आपके माइंड में कभी भी ये क्वेश्चन आया कि मैं एक चाइनीज ब्रांड प्रेफर करूं, क्योंकि मुझे पता है कि इससे पहले या आपने कोरियन या जापानीज या जर्मन गाड़ियां रखी हैं, बिल्कुल सो क्या कभी आपने चीज फील की थी ये खरीदने से पहले? यार। मैंने देखा है पूरी दुनिया में चाइनीज़ एक्सेप्ट हो रही है, यूएस में चाइनीज़ इंतहा से ज़्यादा चल रही है। मैं यूएस में था उधर में देख रहा था चाइनीज़ गाड़ियाँ चल रही हैं। उसके अलावा सऊदीया गया हूँ, सऊदीया में मैंने देखे चाइनीज़, बल्कि वो गाड़ियाँ जो हम आज तक इधर नहीं देख रहे वो वो उधर आपको गाड़ियाँ नजर आए। सऊदीया में चल रही हैं, दुबई में आपके चल रही हैं, मिडिल ईस्ट में आपके चल रही हैं। ट्रू। तो आई फील लाइक अगर दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया तो हम वैसे ही सबसे बहुत पीछे हैं, तो हमें ये ट्रू चाइना हमसे बहुत आगे, सो ट्रू ट्रू। उनकी टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करनी चाहिए। प्लस फॉर द प्राइस, इसका एक जो डायरेक्ट कंपटीशन मुझे कंसिडर किया था वो था, दैट वाज टोयोटा क्रॉस। नो हाँ डाउट टोयोटा इज एन अमेजिंग कंपनी, ठीक है उनकी गाड़ियाँ बड़ी मजबूत होती हैं, बट आई थिंक चाइना ने अब काफ़ी अपने आप ऊपर ले आया है। ठीक है, चलें इसका हम ऑब्वियसली हमारे व्यूज चेकआउट कर सकते हैं। करोला क्रॉस को भी हमने बहुत डिटेल में रिव्यू किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो व्यूअर्स, ये तो था हमारा एक डिटेल रिव्यू ऑफ हेविल जॉलियन एचईवी, और हमने आपको इनके ऑनर के साथ भी मुलाकात करवाई है। होपफुली जब आप लोग इस गाड़ी को कंसिडर करेंगे तो ये रिव्यू आपकी हेल्प करेगा। मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। Love it.